आज है महाशिवरात्रि, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज सुबह बहुत 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 जल्दी उठ गई थी, आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैं जो डेली रूटीन होता है वो करती हूँ, और अभी बज रही है 7:05 का। मैं नहा के रेडी हूँ और मंदिर जाने के लिए तैयार हूँ। ये रही मेरी पूजा की थाली। थाली में सबसे पहले मैंने लिया है कच्चा दूध, और ये है पानी, और इसमें डाले हैं थोड़े से काले तिल, मूली है, पूरा सब कुछ ये है, और ये माचिस है, और इसके अंदर में भी मैंने ये जो कागज़ की जो पूड़ी है इसमें भी मैंने काले तिल डाल रखे हैं। और गाइस मेरी थाली में एक चीज़ और ऐड हो चुकी है, वो है फ्रूट। मम्मी कह रही है इतनी सुबह सुबह जा रही है तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, वैसे तो गन्ने का जूस, माला, फ्लावर और पूजा का सामान सब कुछ मिलता है, लेकिन मुझे पता है आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़, मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर आने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। और ये देखो पापा तो अभी उठे हैं, हाथ धो रहे हैं, राहुल ने मुंह धोया है, मुंह पोंछ रहा है, और मम्मी मम्मी का अभी चल रहा है योगा सेशन, मम्मी योगा वोगा सब कुछ कर रही है। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली मंदिर। अरे हम लोग मंदिर गाइज देख लो, मैं सुबह 7 बजे मंदिर आई हूँ, फिर भी बहुत से लोग तो पूजा करके चले गए, और फिर भी यहाँ पर एक दो लोग हैं, लेकिन ठीक है, जो नॉर्मल लोग होते हैं सिर्फ उतने ही है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली भीड़ नहीं है। और ये रही मैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग करने वाले हैं पूजा, तो और मेरा वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कुछ दिखा पाऊंगी, और मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। सो गाइज मंदिर वगैरह सब कुछ हो चुका है, मैं आ गई हूँ घर पे, और अब मैं बना लेती हूँ दूध, जब तक मैं सब जने घर पे रेडी हो जाएंगे, और फिर हम लोग पूरे परिवार के साथ करेंगे शिवरात्रि की पूजा। उससे पहले देख लो कि आज राहुल ने भी महाशिवरात्रि का व्रत किया है, ये मॉर्निंग रूटीन में खा रहा है दही और आलू। तो राहुल वगैरह सब कुछ रेडी होते हैं और मिलते हैं सबके साथ। सो गाइज पापा ने मुझे पहले कह दिया था, बुलबुली अगर तू इस बार भी वीडियो वीडियो के चक्कर में रही ना तो पिट जाएगी तू तो इसलिए ना मैं बड़ी चुपचाप से वीडियो बना रही हूँ आपको, है ना, मतलब ऐसे ही दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं फ्रंट में आगे में कैमरा रखने वाली थी। पापा ने मुझे पहले ही एडवाइस कर दिया कि मुंह अपना बंद रखना, मैं फिर भी आपको जितना हो सकता है देखो ऊपर से दिखा रही हूँ, वो शिवलिंग उस पर अभी हम लोगों ने गन्ने का जूस चढ़ा रहे हैं, दूध वगैरह तो सब लोगों ने चढ़ा लिया, बस गन्ने का जूस चढ़ा रहे हैं। तो वैसे भी गन्ने का जूस भगवान के चढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना जाता है, तो मतलब हम लोगों की तो शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन रही है। आप लोगों ने कैसी शिवरात्रि बनाई वो मुझे कॉमेंट करना मत भूलना, और मैंने जो अपने रिस्क पे आप लोगों को भगवान की पूजा दिखाई है उसके लिए मुझे थैंक्स भी फटाफट से कर देना। सो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने महाशिवरात्रि की पूजा पूरी फैमिली के साथ करी, बहुत अच्छे से करी, और अब मैं पूरे एक्साइटेड हूँ पूरे दिन में क्या करने वाली हूँ महाशिवरात्रि के व्रत की रेसिपीज़ बहुत सारी चीज़ों के लिए। और ये देख लीजिए हमारी चांदी का शिवलिंग, ये हमारे भगवान की मूर्ति, और ये है हमारा एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर। तो बढ़ते हैं हम ब्लॉग में आगे की तरफ। सो गाइज मैंने यूट्यूब पर देखा था व्रत की रेसिपीज, तो मुझे उनमें से सबसे ज्यादा अच्छी लगी व्रत वाली इडली, तो मैंने ना उसके लिए ये समा के राइस और ना साबुदाना दोनों भिगो के रख दिए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, वीडियो के अंदर बताया था कि इनको 2 घंटे मिनिमम भिजो, 2 घंटे मैक्सिमम भिजो तो बहुत है, मैंने इनको सुबह 8:15 बजे भिगोया था, अभी बज रही है 1, अब जाकर भीगे ही है, तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि 2 घंटे ही गलत फहमी में मत रहना, एटलीस्ट इनको भिगोने में 4 घंटे लगते हैं। तो अभी मैं ये पूरी तरीके से भीग चुके हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ साबुदाना आपको कैसे पता रखना है, तो ये देखो मैंने इसे दबाया और ये पूरी तरीके से टूट गया है ना, इसका मतलब ये भीग गया है। तो अभी हम इनको दोनों को धो के एकदम क्लीन पानी से निकाल के और फिर मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी, ठीक है। आप लोग देख लो ये समा के राइस। सो गाइस मैंने ना इन दोनों को पानी से निकाल के और इसके अंदर है ना टेढ़ा नहीं करूंगी वरना गिर जाएगा, ये देखो दोनों को मिक्स कर दिया है, और इनों के अंदर है ना मैंने दही डाल के मतलब ऐसा मिक्सचर का पेस्ट बनाया है कि ये है ना मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड हो जाए, ना ज्यादा पतला है और ना ज्यादा गाढ़ा है, तो मैं अभी इसको ग्राइंड करने जा रही हूँ। ये देखो मैंने जार के अंदर डाल रखा है, ये देखो, ठीक है, तो अभी मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो गाइस ये देखो मैंने इसको मतलब इसको का मतलब है समा के राइस और साबुदाना को दोनों को बहुत ही अच्छे से दही के अंदर पीस लिया, आप देख सकते हो कितनी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो नॉर्मल इडली की होती है। और अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला रही हूँ, सेंधा नमक ही खाते हैं ना हम लोग व्रत में,
तो मैं इसमें ये सेंधा नमक मिला के अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ। धूप में रखने से क्या होगा ना, इसका खमीर अच्छा उठ जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर एक कवर भी लगा दिया है ताकि अंदर में कुछ घिरे नहीं, और धूप की वजह से इसमें खमीर भी उठ जाएगा। इस खमीर उठता है तभी इडली बहुत ज़्यादा अच्छे से बनेगी। और ये देख लो, मम्मी अपनी मशीन पर बैठ चुकी है और पूरा घर इसी तरीके से पसरा हुआ है। सब जगह कपड़े, कचरा वचरा सब कुछ ऐसा ही दिख रहा है। पापा आराम से मोबाइल चला रहे हैं। भैया ने घर को किस तरीके से बता दिया, वैसे मैं बहुत टाइम बाद दिखा रही हूँ आपको। भैया ने यहाँ पे इसमें रबर कोट करा है टर्मिनेट वाला, वो जिससे दीमक विमक नहीं लगती है, और अच्छे से नीचे अखबार वगैरह भी बिछा रखे हैं ताकि कलर की बूंदे नीचे ना घिरे, वरना सफाई भैया को खुद को ही करनी पड़ेगी। ये देखो, उन्होंने अखबार इस यहाँ पर भी पूरे अच्छे से कवर कर रखे हैं, इस साइड में भी पूरे अच्छे से अखबार लगा रखे हैं। सो ये हुई इस तरीके की बात। ये तो एक ही अलमीरा पे है। अभी जो दूसरी अलमीरा की तरफ दिखाऊं तो उस वाले रूम में भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। ये देखो, गैस की टंकी भी बाहर आ गई है। और अब इस वाले रूम के अंदर क्या है ना, इस वाले रूम में भी कुछ ऐसे ही कर रखा है। अभी तो इसके ऊपर तारपिन लगा रखा है, तारपिन जब सूख जाएगा तो ये भैया इस साइड में कलर कर रहे हैं। एक साइड में तो इन्होंने शुरू कर दिया है, मेरे रूम मुझसे छिन गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। राहुल को मैं दिखा दूँ तो राहुल की चप्पल तो दिख गई, अब मैं आपको राहुल को भी दिखा देती हूँ। तो ये देख लो गाइज, ये रहा राहुल, ये रहा इसका मोबाइल चल रहा है, इसका मतलब राहुल खुद भी चल रहा है। राहुल बड़ा, मोबाइल बड़ा, ये ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा वीडियोस और आवर्स को घंटे देने वाला है। मेरे को लगता है राहुल ही होना चाहिए हमारे घर में से। बहुत ज़्यादा हंस रहा है ये, तू इंजॉय कर अपना मोबाइल। मैं भी तो देखूँ क्या देख रहा है ये, पता नहीं क्या क्या देखते रहता है इसको भी, पता नहीं कौन से अंट शंट वीडियोज़ देखते रहता है ये। फिटनेस के अलावा और कुछ इसको कुछ नहीं दिखता है। तो अभी हम लोग खा रहे हैं हमारा खाना, हमारा लंच। लंच में आज बनी है दाल बाटी, और मतलब दाल बाटी इसलिए बनी है क्योंकि राहुल और पापा ने भी व्रत कराया ना, तो मम्मी ने सोचा इन लोगों का ही फेवरेट बना देती हूँ। ये रही सैलेड, और ये रही हमारी खाने की मिस्टर शेफ मम्मा, मम्मा बनाती हुई बाटियाँ। और अब मेरा लंच दिखा देती हूँ। मेरे लंच में है चावल, दाल, जलेबी, बाटी वाटी सब है। तो मेरे खाने में आप सोच रहे होंगे इसके पास चावल कहाँ से है, तो गाइस चावल मुझे पड़ोस में पकड़ाए थे। मम्मी सोच रही है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है व्रत के दिन की। देखो हमारे काम वाली आंटी भी देख देख के हंस रही है। है ना, दाल बाटी तो इन्होंने पकड़ाए थे मुझे। सिद्धियों के खाना बहुत पसंद है तो उन्होंने भी मुझे खाना पकड़ाया था। So guys, मैंने अभी कुछ रील्स बनाई थी, इस तरीके से मैं रेडी हुई थी। और आपको पता ही है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम के फिल्टर्स यूज करके हम और ज्यादा ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। और एक्चुअली क्या है ना, मैंने बहुत ज्यादा धूप में बनाया, क्योंकि अभी देखो अगर मैं अभी बनाती ना तो मजा नहीं आता। और नीचे घर में पूरा बिखेड़ा हो रहा है, तो मैं घर पे बना नहीं सकती थी। तो धूप में बनाने की वजह से फेस कुछ ज्यादा रेड हो गया है। कोई इश्यूज नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हम उनके थ्रू वापस अपना ब्यूटी ला सकते हैं। कुछ राहुल ने भी मेरी हेल्प कर दी। और अब हम जा रहे हैं कहीं पर, तो भी महादेव का श्रृंगार हुआ है तो वहां देखने जा रहे हैं। मैं सीधा नहीं तो फिर बीच में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाऊंगी, लेकिन मिल जरूर जाऊंगी। एक्साइटेड हो ना, मैं भी। चलो देखते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं फाइनली पंचापूर्ण महादेव मंदिर। यहाँ पर आज पहली बार हुआ है यार मेरे साथ से, तो डेकोरेशन और इतनी भीड़ भीड़ आप देख ही लो, कितनी मस्त लग रही है। ऊपर तक चलेंगे हम लोग पूरा। वो देखो शिव, राहुल तू जा आगे, मैं तेरे को लेती हूँ ब्लॉग में। ये रहा गाइस, राहुल आगे आगे चल रहा है, भीड़ आप देख ही लो। हाँ इधर ही खोल देना, हमने तो चप्पल वैसे भी घर की तो चप्पलें हैं। अडा चल जा, ज्यादा भीड़ तो उस साइड में। हम लोग पहले राहुल आज तो साई बाबा के पट्टी बंद रखी है। सभी भक्तों से निवेदन है कि अब कुछ ही समय में भगवान शिव की महाआरती होने वाली है। हमारे आते ही पट बंद। अच्छा, सभी भक्त मंदिर के पीछे वाले भाग में पहुँचे का गश्त करें। वो और कौन सा भाग है? के सामने मंदिर के पीछे पहुँचने का गश्त करें। अब कुछ ही समय में उधर में जाना है, ऊपर के साइड। और लोग देखो कितने सारे हैं। मंदिर के पीछे वाले भाग में जाए क्यों? वो ऊपर में नहीं जा रहे अपन लोग, ये हो रही है जब तक ऊपर चले जाते हैं ना वहाँ, तो फिर यही चला जा। बोल 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 ब
राहुल। और हम लोग भी ऊपर आ चुके हैं काफी हद तक। तो कुछ तो भी हो गए यहाँ पे। मतलब आते नहीं, दूर से ही दिख रही है भीड़ थी। ये है शिव जी का मंदिर। हाँ रोजाला ही है। और ये बाकी तो सारी पब्लिक है। बस इतना ही था यार देखने जैसा। तो फोटो लेके अपनी लेके, लेकिन इतना वो मजा नहीं आ रहा है। आजा, आई लव शिवा, आई लव पब्लिक। चलो बोले सिक्योरिटी तो ऐसे भी उठा रखी है। हाँ इसकी लाइट्स नहीं चल रही है। और ये इतनी ऊपर रखी है शिवलिंग, डेकोरेटेड तो है यार। ये देखो वहाँ पे वो जो लोग भजन कीर्तन वगैरह कर रहे हैं ना, वो दिख रहा है आप लोगों को। तो ये कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा। अब हम आ रहे हैं मंदिर। राहुल कुछ तो भी चल रही है यहाँ पे। ये फाइनल व्यू। तो गाइस जैसे ही हम लोग घर में एंटर हुए हैं महाआरती के बाद, यहाँ पता चल रहा है मम्मी महासेगार बना रही है। ओ माय गॉड, और टिकिया है साबुदाने की टिकिया मम्मा बना रही है। और साथ में मम्मा ने बनाया है नारियल की चटनी। तो आज के दो बार के मास्टर शेफ रह चुके हैं मम्मा। मेरा नंबर अब आएगा। कहाँ है हमारा घोल? इट इज आवर घोल। ये रहा। सो गाइज हमारा खमीर उठकर बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी है। तो क्या है ना, खाने के लिए सब लोगों के पास ऑप्शन हो जाएगा। तो चलो मैं भी फुर्ती से थोड़ी बहुत मम्मा की हेल्प कर देती हूँ। सो गाइज अब मैं फाइनली खोलने जा रही हूँ कि हमारी इडली बनी कैसी है। मुझे कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। वाओ बन तो गई है मम्मी। बन गई क्या? मम्मी देख रही है कि इडली बन गई। बन गई? दो मिनट बंद करके रहना तू। नहीं इसको बंद कर दो, ढक के रख दो, दो पांच मिनट हो गई। इसे उठाओ कपड़े से। ये रहा। सो गाइस इडली फाइनली बन गई है एकदम तमीज की। ये रही हमारी व्रत की इडली। आई मेड इट फर्स्ट टाइम और फर्स्ट टाइम में ये बहुत अच्छी बन गई है। सो गाइस ये देख लो फाइनली मेरी इडली बनके रेडी हो चुकी है। इसके साथ नारियल की चटनी है। और राहुल रिव्यूज कैसे हैं इस इडली के?
अच्छी बनी ना, मस्त सॉफ्ट है गाइज। रिव्यूज की देखो, आप खुद देख सकते हो उसमें कितनी तो जाली पड़ी है, और ये बहुत ज्यादा फ्लफी भी बनी है। तो फाइनली मेहनत रंग ला गई, और आप लोगों ने देख लिया कि मैंने महाशिवरात्रि के लिए बिल्कुल नया रेसिपी ट्राई कराया। तो अब मैं करने बैठी हूँ सेगार, और राहुल को आप देख ही सकते हैं, मोबाइल के बिना इसकी जिंदगी अधूरी है। यह मोबाइल है और नमकीन वगैरह व्रत की सब कुछ है। तो आपको कैसा लगा एंटायर ब्लॉग, कितना मजा करा आप लोगों ने महाशिवरात्रि कैसे बनाई सब कुछ मुझे फटाफट से कॉमेंट कर दो। और आपको याद होना चाहिए हमारा टारगेट है मार्च 31, 2023 के एंड तक हमें 1K सब्सक्राइबर्स अचीव करना है। तो आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाओ, मैंने अपनी स्पीड ऑलरेडी बढ़ा रखी है, और दोनों की स्पीड मैच होगी तभी हम 1K सब्सक्राइबर्स अचीव कर सकेंगे। सो एंजॉय दिस दिन, एंजॉय दिस व्रत का ब्रेकफास्ट कहेंगे, व्रत का मम्मी क्या कहते हैं हम लोग जो खाते हैं इसको, फलाहार के लिए सेगार। तो व्रत का सेगार हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो। बाय।